see here that finding of square roots through the division method. How to find out the square root with the help of the division method? Let we can see here. That is, if suppose one number we can take, that is 196. Find the square root of 196 with the division method. So यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक division method से आपको solve करना पड़ेगा. Division method किस type से आएगा? यहाँ पर मैं बता दूँ आपको. यहाँ पर 196 is there. So सबसे पहले आपको क्या करना है? 2-2 से pair बनाने हैं आपको. 2-2 के pair बनाने हैं और right side से बनाने हैं. यहाँ पर लेकिन 3 digits number है, odd digits number है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राइट साइड से 2 डिजिट का पहले एक पेयर बनाएंगे, तो बाद में सिंगल डिजिट रह जाता है वो, लेट इट व्हाटएवर इट वाज. सो देन नेक्स्ट वन व्हाट वी कैन डू हियर दैट द टेबल्स आपको सबसे पहले बना लेनी है. जैसे हम डिवीजन में अगर टेबल्स बनाते हैं, 2 1 2 2 4 2 6 8 2 7 14. सो जो टेबल्स जो है हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, इस तरह से टेबल्स हम लेते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, सिंपली हमें 2 के टेबल्स नहीं लेना है, 2 के स्क्वायर्स लेना है. जैसे कि 1 का स्क्वायर जो आएगा 1, 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 3 का स्क्वायर रहेगा 9, देन 4 स्क्वायर बिकम 16, देन 25, देन 6 इज 36, देन 7 इज व्हाट, दैट इज 49. तो इस तरह से हमें टेबल्स यहाँ पर लेनी है. सो द फर्स्ट नंबर इट इज 1. 1 को अगर हमें इसका 1 कौन से टेबल में आएगा, यहाँ की 1 का स्क्वायर किसका रखा है, 1 स्क्वायर बिकम्स इट इज 1 ओनली. सो 1 1s are 1 वी हैव टू टेक, 1 1s are 1 वी हैव टू टेक. नाउ वी कैन सबट्रैक्ट, 1 - 1 बिकम्स 0. नाउ वी कैन सबट्रैक्ट इट, 1 - 1 बिकम्स 0. लेकिन यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है, जो नंबर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा. So 1 + 1 becomes it is the 2. 1 + 1 becomes it is 2. अभी next number दोनों digits एक साथ में यहाँ पर नीचे लेना है. Division में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक digit एक बार नीचे ले सकते हैं, लेकिन division यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दो दो digit एक एक साथ में हमें नीचे लेना है. So the next it is 96. Next it is the 96 and here the number it is the 2. Here the number it is the 2. 2 यहाँ पर number है 2. अगर आप 2 लेंगे तो ये 96 किस नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि हम यहाँ पर 2 2s are ले लेंगे, इट मींस 2 2s are 4, 2 2s are 4 इट इज 44. सो दिस नंबर 2 विल नॉट कम्स देयर. सो अगर यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, अगर आपको यहाँ पर 4 से लेना है, 4 से अगर आपको लेना है, 4 4s are आ जाएगा, मींस 4 4s are 16 ऑफ 6, 1 कैरी, 4 2s are 8 + 1 is 9, 96. सो इट इज पॉसिबल. 4 4s are means 24 4s are. यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सिर्फ 4 4s are कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 24. So 24 4s are it is 96. Now we can subtract it. You will get that 6 - 6 is 0. 9 - 9 is 0. So यहाँ पर आंसर क्या मिला हमें? आंसर जो है क्वेश्चन को, that is the 14. That is what 14. The question is 14. So that is the answer here. 196 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 14. तो क्या करना है, सबसे पहले 2-2 का पेयर बनाना है. पेयर नहीं बनेगा तो फर्स्ट जो राइट साइड से आते हैं उनको पहले पेयर बना लो, जो भी सिंगल रहेगा वो रह जाएगा. फिर जिस भी टेबल्स कैसे लेनी है हमें, स्क्वायर की टेबल्स लेनी है, स्क्वायर की टेबल्स लेनी है. और उस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्या करेंगे, 1 1s are 1, इन दोनों को माइनस करके जिस नंबर से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी नंबर को हमें एक बार एड करना पड़ेगा. देन वी गॉट हियर 1 + 1 2 2 हमें मिला है यहाँ पर, दोनों नंबर एक साथ में हमें नीचे लेना है. फिर आगे क्या करना है, यहाँ पर 4 4s are 6, 4 4s are नहीं लेना, 4 4s are जो ले रहे इस नंबर से पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है. यानी कि यहाँ पर हम 4 4s are तो ले ही रहे हैं, लेकिन 4 को 24 से मल्टीप्लाई करना है. और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा. लेट वी कैन सी हियर दैट द नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296. Find the square root of 1296. So how to find out the square root of these numbers? Let me can see here that first आपको करना क्या है, division method से आपको solve करना है इसे. Division method जैसे मैंने already इससे पहले discuss किया है, subtraction method था, repeated subtraction method था, prime factorization method था, और उसके बाद ये division method हम जो देख रहे हैं, तो division method से हमें solve करना है. तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था आपको कि जो पेयर बना लेने हैं दो दो डिजिट्स के, सो दिस इज वन पेयर एंड अनदर वन इज पेयर, मींस वी गॉट हियर एग्जैक्टली द पेयर वी गॉट हियर नाउ. सो लेट वी कैन डू हियर दैट, डिवाइड हियर.
द टेबल्स इट इज 12 इज देयर, फर्स्ट पेयर इट इज 12, यहां पर किसी का स्क्वायर आता है 12 का, नहीं, तो उससे छोटा हमें लेना पड़ेगा, 12 से छोटा है 9, सो वी कैन टेक हियर 3 3s are 9, सो सबट्रैक्ट इट, 12 माइनस 9 बिकम्स इट इज 3, 3 वी गॉट, लेकिन यहां पर जो सबट्रैक्ट कर रहा है किस नंबर को मल्टीप्लाई किया था, 3 को, जस्ट ऐड 3 इन इट वी विल गेट व्हाट, 3 + 3 इज 6 वी गॉट, 6 we got, and here the 96 completely you can take it downside, in the division directly we are just taking one number then after other, but here we have to take carry two numbers at a time, here it is 96, यहाँ पर already आपके पास 6 है, यहाँ पर 96 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 is the ending digits, 6 is the ending digits, और आपको पता है कि ending digits, जो ones digit is 6, it means that the what will be the number there, 4 and 6 will be the number there, so let me try with 4 4s are we have to try, 4 4s are we have to try, 4 4s are 16 of 6 one carry, 4 3s are 12, 12 plus 1 is 13, 136, but this is 396, so this does not satisfy. Next option kya hai hamare paas, 36 digits, once digits the 6 kiska aayega, 6 ka aayega, so 6 is already there, we have to just carry that 6 6s are, so next we can check 6 6s are 36 of 6, 3 carry, 6 6s are 36 plus 3 is 39, so here we got that number 396, so we can take here 6 6s are 300 36 6s are 396, so 6 minus 6 is 0, 9 minus 9 is 0, 3 minus 3 is 0, we got that exactly what the question we got here, that is the 36, so the square root of 1296 is the 36, the square root of the 1296 is 36, okay, next we can see here the square roots of the decimal numbers, how to find out the square roots of the decimal numbers, with a few examples let me can see here that 17, the square, what is the square root of 17.64, let me can see that how to solve this type of examples, firstly we can see here that with the help of division method we have to solve this 17.64, with the help of division method we will solve this one 17.64, jaise ki maine pehle hi bola tha, you have to make the pairs, two pair you have to make, here it is 64 one pair and 17 is the another pair, let me can see that first one it is 16, so jaise maine tables kya bola tha, 1 square 2 square 3 is square 4 square 5 square then 6 square 7 स्क्वायर, तो इस तरह से आपको टेबल्स के पेयर बनाने हैं, आपको टेबल्स जो है ना इस तरह से स्क्वायर्स जो नंबर है स्क्वायर नंबर्स दैट बिकम्स द टेबल्स फॉर फाइंडिंग दिस वन, सो हियर दिस इज 17, सो द 17 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, सो द 16 द स्मॉलर नंबर वी हैव टू टेक, सो 4 4s are 16 वी हैव टू टेक, 17 माइनस 16 बिकम्स द 1 and 1 minus 1, 7 minus 6 becomes 1 and 1 minus 1 becomes 0, तो यहाँ पर और क्या करना था आपको, 4, जिस number को हम multiply कर रहे हैं, उसी number को हमें क्या करना है, 4 को और एक बार यहाँ पर add कर लाना है, add कर लेना है, 4 plus 4 becomes the 8 here, so directly we have to take the 2 digits at a time, 164 we have to take at downside, and it is the point here, so we have to put here the point again, so here 8 is there already, 8 is there already, so which number, the number it is ending digits is 4, but here the ending digits is ends with, if suppose the ending digit is 4, then it becomes the 2 or 8, so we can take 2 2s are here, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 164 it is possible, so 82 2s are 164 and subtracted 0 0 0 will get that, so what is the answer we got here, that what is the answer we got, the square root of 17.64 it becomes the 4.2, the square root of 17.64 it becomes the 4.2, likewise we have to solve here one more type of examples, that is 12.25, with the help of division method we can see here, with the help of division method we can see, firstly we can make the pairs here, that is 25 is one pair and 12 is the another pair, so check, let's check here that 12 is not the square root of any of number, then smaller that then the 12 it becomes the 9 we have to take, so 3 3s are 9, subtracting 12 minus 9 becomes the 3, okay, so here 3 3s are we are taking means 3 again we can add in it, we'll get the 3 plus 3 is 6, so yahan par dono number aapko ek saath mein kya karna hai, niche le lena hai,
If it is the number ending, the ones digit is 5. अगर ones digit 5 रहता है तो किसका square रहेगा? 5 का ही square रहेगा. So we can take here 65 5s are. 5 5s are 25 are 5, 2 carry. 5 6 are 30 plus 2 is 32. So 65 5s are. So point is there, we have to put the point. 65 5s are 325. Let's subtract it. 0 0 0 will get that. So what is the answer? What is the answer of square root of 12.25 is 3.5 is the answer we will get. Okay?